नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल पर जिसका नाम है स्टडी लवर्स की पाठशाला। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे जेन ऑस्टन की एक नोवेल प्राइड एंड प्रेजुडिस के बारे में। आमतौर पर जेन ऑस्टन की जैसे नोवेल्स बहुत लंबी हुआ करती थी, ये नोवेल भी बहुत लंबी है, इसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, बहुत कन्फ्यूजिंग भी है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि इसको अच्छे से अच्छा समझा सकूं। मैं नहीं जानता वीडियो कितनी लंबी होगी, लेकिन इसको पूरी देखना, आपके दिमाग में एक भी क्वेश्चन बाकी नहीं रहेगा दोस्तों। तो टाइम वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं आज की हमारी नोवेल प्राइड एंड प्रेजुडिस, लेट्स बिगिन। सबसे पहले तो हम शॉर्ट में कैरेक्टर्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, जिनको समझने के बाद में नोवेल को समझना आसान हो जाएगा। सबसे पहले मैं बात करूंगा एलिजाबेथ बेनेट की, जो कि नोवेल में हीरोइन है। पूरी नोवेल इस लड़की एलिजाबेथ पे बेस्ड है। ये इस कहानी में प्रोटैगनिस्ट है और बेनेट सिस्टर्स में दूसरी सबसे बड़ी सिस्टर है। ये लड़की बहुत समझदार है, स्मार्ट है, अट्रैक्टिव है और लोगों को परखने की अच्छी समझ भी रखती है। लेकिन ये जो इस लड़की की समझ है लोगों को परखने की, ये डर्सी को समझने में थोड़ी सी मात खा जाती है। अब आप ये पूछोगे डर्सी कौन है? देखिए दोस्तों, फिट्स विलियम डर्सी इस कहानी का दूसरा मेन कैरेक्टर है, यानी कि प्रोटैगनिस्ट है, और ये पूरी नोवेल पूरी कहानी इन दोनों पे बेस्ड है। अब हम कहानी तो पढ़ रहे हैं, लेकिन जेन ऑस्टन के बारे में तो मैंने आपको बताया नहीं। जेन ऑस्टन की नोवेल्स की ये खास बात होती थी कि जो वो नोवेल्स लिखा करती थी वो थोड़ी कन्फ्यूजिंग हुआ करती थी, लेकिन बहुत ही मज़ेदार हुआ करती थी। इनकी नॉवेल्स में मेन कहानी में से बहुत सारी कहानियाँ निकला करती थी, जैसे सेंस एंड सेंसिबिलिटी। आपने पढ़ी हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ी है तो कोई बात नहीं। अब दोस्तों कहानी के दूसरे कैरेक्टर्स की बात करते हैं हम लोग। सबसे पहले तो मैं बात करूंगा मिस्टर एंड मिसेस बेनेट के बारे में, जिनकी 5 बेटियां हैं और एक भी बेटा नहीं है। मिसेस बेनेट जो है वो थोड़ी सी सिली सी महिला है, मतलब एक टिपिकल सी तुच्छ सी महिला जो अपनी बेटियों की शादी के पीछे पड़ी हुई है, जस्ट बिकॉज ऑफ लेक ऑफ एजुकेशन। उस टाइम पे एजुकेशन की कमी भी हुआ करती थी। जेन ऑस्टन जो थी 17th सेंचुरी की नॉवेलिस्ट थी, तो उस टाइम पे ऐसा ही हुआ करता था। बस माँ सोचती थी एक पैसे वाला घर मिल जाए हमको। माँ तो क्या, लड़कियाँ खुद सोचती थी कि हमें पैसे वाला घर मिल जाए। अब बात करते हैं मिस्टर बेनेट की, जो कि अच्छे खासे पढ़े लिखे संयम से फैसला लेने वाले आदमी हैं, जैसा कि टिपिकली होता है। अब इन दोनों मियाँ बीवी की 5 बेटियाँ हैं। सबसे बड़ी जेन बेनेट, जो कि बहुत ही सुंदर, शालीन और बढ़िया लड़की है। उससे छोटी एलिजाबेथ बेनेट, जिसके बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है, मैं पहले बता चुका हूँ प्रोटैगनिस्ट है, सारी नोवेल जो है वो इसी पे बेस्ड है। तीसरी है मैरी बेनेट, ये बीचो बीच वाली लड़की है, मतलब तीसरे नंबर की लड़की है, जो किताबें पढ़ना ज़्यादा पसंद करती है। इसके साथ साथ लोगों को मॉरलिटी के लेक्चर भी देती है ये। भाई अगर किताबें पढ़ेगी तो लोगों को लेक्चर तो देते फिरेगी ना, जैसे मैं देता फिरता हूँ। इसके बाद है कैथरीन बेनेट, जो कि दूसरी सबसे छोटी सिस्टर है। इसके बारे में ज़्यादा कुछ है नहीं नोवेल में, बस नाम याद रख लो। इसके बाद सबसे छोटी से छोटी लिडिया बेनेट। हाँ, इसके बारे में थोड़ा याद रखना, क्योंकि इसका नाम आगे आएगा। ये अपनी माँ की बहुत लाडली है, अपनी माँ मिसेस बेनेट की बहुत लाडली है, जिनके प्यार ने इसे बहुत बिगाड़ दिया है, वो आगे पता चलेगा। तो अब बेनेट फैमिली के बारे में हमको पता चल गया है कि 5 तो इनकी बेटियाँ हैं, 2 मियाँ बीबी हैं। अब मिसेस बेनेट जो है वो बेटियों की शादी के पीछे पड़ी हुई है कि कैसे भी हमारी बेटियों का रिश्ता एक पैसे वाले घर में हो जाए, बस और कुछ नहीं चाहिए ज़िंदगी से। अब ये बेनेट फैमिली जो है ये लॉन्गबोर्न नाम की जगह पे रहती है, जो कि एक गांव टाइप की जगह है। अब दोस्तों जिस गांव में बेनेट फैमिली रहती है उसके कुछ दूर एक नेदरफील्ड पार्क नाम की एक जगह होती है, जहाँ पे एक नई फैमिली रहने को आती है, एक रिच फैमिली है वो रहने को आती है। अब कहानी में और कैरेक्टर जुड़ते जाएंगे तो ध्यान से सुनना, समझ में आता जाएगा। अब इस दूसरी फैमिली के अंदर चार्ल्स बिंगले नाम का शख्स है, जो अपनी 2 बहनों के साथ इस नेदरफील्ड पार्क नाम की जगह पर रहने आया है, जिसकी 2 बहनों में एक बहन तो मैरिड है और एक अनमैरिड है। अब यहाँ पे मजे की बात यह है कि चार्ल्स बिंगले जो है वो बहुत ही पैसे वाली पार्टी है। अब ये बात जब मिसेस बेनेट को पता चलती है तो उस औरत के मन में विचार आता है कि हमारी जो 5 बेटियां हैं इनमें से किसी एक की भी शादी इस आदमी के साथ हो जाए तो कितना अच्छा हो। अब कहानी आगे बढ़ती है, अब हमारी कहानी में एंट्री होती है दूसरे प्रोटैगनिस्ट की, जिसका नाम मैंने आपको बताया था फिट्स विलियम डर्सी। ये क्या है, बिंगले का दोस्त है। अब ये क्या है, कुछ टाइम के लिए रहने आया है इसके पास नेदरफील्ड पार्क, लेकिन यहाँ आके जम गया है, जा ही नहीं रहा। और कमाल की बात तो ये है, ये डर्सी जो है ये बिंगले से ज़्यादा पैसे वाला है। लेकिन दोस्तों इसमें थोड़ी सी एक छोटी सी कमी है, ये जो आदमी है ना ये अपने आप को पता नहीं क्या समझता है, ये थोड़ा सा घमंडी टाइप का है। अब कुछ टाइम बाद इस गांव में एक पार्टी ऑर्गेनाइज होती है, जिस पार्टी में बिंगले फैमिली आती है और वहां पे बेनेट फैमिली भी आती है, और वहां पे बिंगले जो है वो अट्रैक्ट हो जाता है जेन की तरफ। जेन कौन,
वो सबसे बड़ी बेटी बेनेट फैमिली की। अब मिसेस बेनेट तो चाहती थी कि कैसे ना कैसे करके एक ना एक बेटी से तो शादी हो ही जाए, जेन तो जेन ही सही। अब यहाँ पे बिंगली को जेन पसंद आ जाती है, वो उसके साथ पार्टी में डांस वांस भी करता है। अब बहुत होगी जेन और बिंगली की बात, अब हम बात करते हैं प्रोटैगनिस्ट की, डर्सी की। अब डर्सी को बिंगली आकर के बोलता है, अरे यार तू यार क्या बैठा हुआ है यार, तू भी डांस वांस कर कुछ। तो बिंगली डर्सी को बोलता है कि तू एक काम कर, जेन की छोटी बहन एलिजाबेथ के साथ डांस कर, ये अच्छी खासी भी दिखती है। तो डर्सी बोलता है, अरे नहीं नहीं क्या बात कर रहा है यार तू भी यार, ये कोई ज़्यादा कुछ खास नहीं है लड़की। मतलब कि अपने प्राइड को दिखाता है वो, घमंडी, मैंने बताया था थोड़ा घमंडी टाइप का है वो, अपने सोशल स्टेटस को हर जगह दिखाता फिरता है। तो जेन ऑस्टन की जो नॉवेल है प्राइड एंड प्रेजुडिस, इसमें प्राइड नाम का कैरेक्टर है, ये डर्सी है। अब डर्सी के इतना बोलते ही एलिजाबेथ भी ये बात सुन लेती है डर्सी की, और उसके मन में जो है वो डर्सी के लिए एक द्वेष सा पैदा हो जाता है कि ये डर्सी अच्छा आदमी नहीं है, ये बहुत ही घमंडी किस्म का आदमी है। तो प्राइड एंड प्रेजुडिस में ये प्रेजुडिस जो कैरेक्टर है ये एलिजाबेथ पे सूट करता है, और प्रेजुडिस का मतलब होता है भेदभाव, और भेदभाव डर्सी के लिए एलिजाबेथ के मन में। लेकिन बिंगले और जेन ये तो दोनों एक दूसरे से अट्रैक्टेड हो गए। अब बिंगले की जो दो बहनें हैं, एक कुंवारी है एक शादीशुदा है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये दोनों भी जेन को पसंद करती है कि हमारे भैया के लिए सही है ये लड़की। उनको उनके भैया के लिए ये लड़की इतना पसंद आती है कि ये दोनों बहनें जो हैं ये इनवाइट कर देती है जेन को डिनर पे। अब ये बेनेट फैमिली जो है ये बड़ा खुश हो जाती है कि हाँ डिनर पे इनवाइट किया है तो बात आगे बढ़ सकती है। तो जेन जाती है बिंगली के घर पे, लेकिन अपने साथ एलिजाबेथ को भी ले जाती है, अकेली कैसे जाए, तू भी चल मेरे साथ। लेकिन जब वो दोनों बहनें डिनर पे जा रही होती है तो बीच में क्या है, रास्ते में बारिश पड़ जाती है, जिसकी वजह से क्या है जेन थोड़ी बीमार पड़ जाती है। तो इसकी वजह से नेदरफेल पार्क में उन दोनों बहनों को एक हफ्ता और रह जाना पड़ता है, क्योंकि जेन बीमार है तो ऐसे तो हम घर नहीं जा सकते। अब इस बीच जेन और मिस्टर बिंगले के बीच में तो नज़दीकियाँ बढ़ती जाती है, लेकिन एलिजाबेथ और डर्सी तो आपस में ऐसे चिड़े हुए हैं जैसे प्राइड एंड प्रेजुडिस। खास करके एलिजाबेथ, अरे ये बहुत ही घमंडी आदमी है। लेकिन कुछ टाइम बाद डर्सी एलिजाबेथ की तरफ थोड़ा थोड़ा अट्रैक्ट होने लगता है कि नहीं मैं जो पहले सोच रहा था वैसा कुछ नहीं है, ये भी थोड़ी अट्रैक्टिव है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन यहाँ पे कहानी में ट्विस्ट ये है कि बिंगली की जो बहनें हैं, एक शादीशुदा है एक शादीशुदा नहीं है, जो शादीशुदा नहीं है ना वो एलिजा को पसंद नहीं करती, सॉरी एलिजाबेथ से। एलिजाबेथ को वो क्यों नहीं पसंद करेगी भैया, उसका क्या लेना देना है एलिजाबेथ से, उसका लेना देना एलिजाबेथ से नहीं है, उसका लेना देना है डर्सी से। वो अपने भाई के दोस्त को पसंद करती है, डर्सी को। अब उसको लगता है कि डर्सी जो है वो एलिजाबेथ की तरफ थोड़ा थोड़ा आकर्षित हो रहा है, तो इसकी वजह से उसको बुरा लगता है और वो एलिजाबेथ को पसंद नहीं करती। अब ये जो डर्सी जी हैं ये एलिजाबेथ को पसंद जरूर करते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों हर बार इनका प्राइड बीच में आ जाता है। अब ये पसंद करने के बावजूद भी ये सोचते हैं कि मैं तो इतना रिच आदमी, क्या मेरे लिए ये लड़की सही रहेगी, मतलब प्राइड कहीं ना कहीं बीच में आएगा ही आएगा। अब हफ्ता भर खत्म हो गया, अब इन दोनों बहनों को वापस भी तो जाना पड़ेगा। अब ये दोनों बहनें वापस लौट गई। अब कहानी में एक नए कैरेक्टर की एंट्री होती है, मिस्टर कॉलिंस। अब ये कॉलिंस जो है ये कौन है, ये मिस्टर बैरेट जो हैं जिनकी 5 बेटियाँ हैं उनके घर में एक तरह से समझ लो वारिस है ये भाई। वो 5 तो बेटियाँ हैं, बेटियों को तो जायदाद नहीं दे सकते, एक बेटा ज़रूरी है, तो ये कॉलिंस वो एक तरह से वारिस है, बेटा नहीं है, क्योंकि कॉलिंस जो है इन 5 बहनों में से एक बहन से शादी करने के इरादे से आया है। अब वो प्रपोज भी किसको करता है, एलिजाबेथ को। एलिजाबेथ उसको बार बार ठुकराती है कि मुझे ये आदमी पसंद नहीं है कॉलिंस। अब ये एलिजाबेथ भी क्या है, इसको कॉलिंस भी पसंद नहीं है, इसको डर्सी भी पसंद नहीं है, इसको पसंद क्या है फिर, इसको पसंद आएगा, एक जन आएगा, आगे बताऊंगा कौन आएगा। तो एलिजाबेथ तो कॉलिंस को मना कर देती है कि तू मेरे लायक नहीं है, मैं तेरे से शादी नहीं कर सकती। अब कॉलिंस एलिजाबेथ को समझाने के लिए कहता है कि लेडी कैथरीन जो है इस कहानी का एक कैरेक्टर है जिसके पास कॉलिंस रहता है, कि उसने उसको एक डीन बना दिया एक जगह का, वो उससे शादी कर ले, एलिजाबेथ जो है मुझसे शादी कर ले, वो आगे जाके बहुत खुश रहेगी, बता रहा हूँ। लेकिन एलिजाबेथ तो टिकी हुई है, ना उसको डर्सी पसंद ना उसको कॉलिंस पसंद, तो कॉलिंस वापस चला जाता है निराश होकर के। अब यहाँ कहानी में मैं एक और कैरेक्टर जोड़ना चाहूंगा जो कि ऐसा समझ लो इस कहानी का एक तरह से विलन है, और उसका नाम है जॉर्ज विकम। ये क्या है, लोकल मिलिट्री में एक ऑफिसर है, और कहानी की शुरुआत में जेंटलमैन टाइप का लगता है लेकिन बाद में अपना रंग दिखाना शुरू करता है। ये क्या है, एलिजाबेथ से मिलता है और उसको डर्सी के खिलाफ भड़काता है। वो तो पहले ही भड़की हुई है लेकिन और उसको भड़काता है, क्योंकि वो क्या है डर्सी से थोड़ा क्या है नफरत सी रखता है।
कोई कारण था जिसकी वजह से वो नफरत रखता है, मैं बाद में बताऊंगा वो कारण क्या था। अब मैंने बोला था ना, एलिजाबेथ किसी ना किसी से तो अट्रैक्ट होगी, किसी ना किसी को तो पसंद करेगी, तो यहाँ पे कहानी के विलन को उसने पसंद कर लिया, कहानी के विलन की तरफ थोड़ा अट्रैक्ट होगी कि कितना अच्छा आदमी है ये, मेरे को उसके बारे में सच सच बता रहा, जिससे मैं पहले ही नफरत करती हूँ, जो इतना घमंडी आदमी है। अब कुछ दिनों बाद क्या होता है, कॉलिंस वापस आता है। कॉलिंस कौन? उस घर का एकमात्र वारिस जिसको लेडी कैथरीन ने कहीं का डीन बना दिया था, वो वापस आता है और एलिजाबेथ की एक फ्रेंड है, बहुत ही क्लोज फ्रेंड है, उससे शादी कर लेता है, क्योंकि एलिजाबेथ तो मान नहीं रही शादी के लिए। अब यहाँ पे ये जरूर नोटिस करने वाली बात है कि ये कॉलिंस जो है ये शादी के लिए इतना उतावला क्यों हो रहा है, कि किसी से भी शादी हो एक बार हो, और इतना उतावला है कि एलिजाबेथ की फ्रेंड से शादी करके चला गया और एलिजाबेथ की फ्रेंड को अपने साथ में ले गया। कारण ये था कि लेडी कैथरीन जो थी, जिन्होंने उसको डीन बनाया था, वो उसको प्रेशराइज कर रही थी कि शादी करके आ, कहीं से भी करके आ। अब एलिजाबेथ वाले पक्ष की बहुत बातें हो गई, अब बात करते हैं डर्सी वाले पक्ष की। अब मिस्टर बिंगले और जेन जो है, जो आपस में एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो रहे थे, सडनली कुछ ऐसा हुआ कि जेन के तो पैरों तले जमीन ही खिसक गई। उसको एक लेटर मिलता है बिंगले की बहन से, जो छोटी वाली बहन है जो डर्सी को बहुत पसंद करती है, तो वो जेन को एक लेटर लिखती है कि हम लोग जो है वापस लंदन जा रहे हैं और शायद कभी वापस लौट के भी नहीं आएंगे, और मेरा भाई बिंगले है जो चार्ल्स बिंगले, वो जो है वो डर्सी की बहन से शादी करेगा। यहाँ पे मैंने आपको ये नहीं बताया कि डर्सी की भी एक बहन है। तो बिंगले की बहन जो है वो कहती है जेन को कि अब मेरा भाई जो है वो डर्सी की बहन से शादी करेगा, तुमसे नहीं करेगा, और हम लंदन जा रहे हैं तो हमें ढूंढने की कोशिश मत करना, हम जा रहे हैं। तो पहले एलिजाबेथ डर्सी से चिड़ी हुई थी, उसके बाद जॉर्ज विकहम आया, उसने उसके खिलाफ उसको भड़का दिया, अब उसकी बहन का रिश्ता टूट गया और डर्सी की बहन से हो रहा है बिंगले का रिश्ता, तो उस चीज़ से उसके मन में और थोड़ा द्वेष बढ़ गया उसके लिए, कि डर्सी वास्तव में बेकार आदमी है। उसी ने बिंगले को कहा होगा कि मेरी बहन से शादी करो। ठीक है, तो इतना हो गया कहानी में। आगे टाइम बीतता है और मामला ठंडा होता है। तो कहानी में आगे क्या होता है, जो उसकी फ्रेंड थी एलिजाबेथ की, जिसने कॉलिंस से शादी की थी, और जो कॉलिंस है वो लेडी कैथलीन के पास रहता था, जिसने डीन बना दिया था उसे, उसके पास एलिजाबेथ घूमने के लिए जाती है। अब यहाँ पे जो बार बार नाम आ रहा है लेडी कैथलीन, आप ये सोच रहे होंगे इस नोवेल में इसका काम क्या है, इस कैरेक्टर का, तो लेडी कैथलीन जो है ये डर्सी की एक जान पहचान की आंटी लगती है। तो लेडी कैथलीन के थ्रू डर्सी और एलिजाबेथ की वापस से मुलाकात होती है। लेडी कैथलीन जो है ये एक पार्टी ऑर्गेनाइज करती है, उसके अंदर डर्सी और एलिजाबेथ की वापस से मुलाकात होती है। यहाँ डर्सी जो है ये एलिजाबेथ को प्रपोज करता है, लेकिन एलिजाबेथ जो है ये तो वैसे ही चिड़ी हुई है उससे, तो वो डर्सी को साफ साफ मना कर देती है। वो बोलती है कि तू विकहम की नौकरी खा गया और मेरी बहन का रिश्ता तेरी वजह से टूटा है, तू सही आदमी नहीं है, तू घमंडी आदमी है। तो डर्सी तो वहाँ से चला जाता है थोड़ा सा निराश होकर के, लेकिन वो जाते जाते एलिजाबेथ को एक लेटर दे के जाता है। उसमें लिखा होता है कि मैंने तुम्हारी बहन का रिश्ता नहीं तुड़वाया जेन का, और जहाँ तक बात है विकहम की, वो आदमी सही नहीं है, मैंने उसकी नौकरी छीन ली, उसकी वजह ये थी कि उसने मेरी 15 साल की बहन को भगाने की कोशिश की थी। तो यहाँ पे एलिजाबेथ की परख में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। डर्सी थोड़ा सा प्राउडी आदमी था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि वो किसी का रिश्ता तुड़वाए या किसी की नौकरी खा जाए। अब ये सब पढ़ते ही थोड़े से एलिजाबेथ के डर्सी के लिए थोड़े से विचार चेंज होते हैं। वो पहले उसे बहुत ही गलत घमंडी आदमी समझती थी, लेकिन थोड़े से विचार चेंज हो गए। उसके बाद डर्सी वापस से लंदन चला जाता है और एलिजाबेथ भी वापस अपने घर पे आ जाती है। वापस जाकर के एलिजाबेथ जेन को बताती है कि किस तरह से विकहम ने उन्हें बेवकूफ बनाया, जो कहानी की शुरुआत में दिखने में बहुत ही जेंटलमैन किस्म का आदमी लग रहा था, और अब बेवकूफ बना दिया उसने। कुछ दिनों बाद मिस्टर एंड मिसेस गार्डनर, ये क्या अंकल आंटी हैं एलिजाबेथ के, वो क्या इनके घर पे आते हैं और एलिजाबेथ को अपने साथ में कहीं घूमने लेके जाते हैं। अब एलिजाबेथ और उसके अंकल आंटी जो हैं वो पेम्बरले हाउस नाम की जगह पे घूमने जाते हैं। अब डर्सी भी क्या है पेम्बरले हाउस आया हुआ होता है, तो जब उसको पता चलता है एलिजाबेथ अपने अंकल आंटी के साथ आई है, तो वो उनके सत्कार में लग जाता है। अब क्या है, एलिजाबेथ और डर्सी दोनों के विचार एक दूसरे के लिए चेंज हो गए, तो दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं। लेकिन इसी वक्त एक बुरी खबर आती है कि जो छोटी वाली बहन है एलिजाबेथ की, लीडिया, जो बिगड़ गई थी अपनी माँ के प्यार में, जिसके लिए मैंने आपको कहानी की शुरुआत में बताया था कि इसका नाम याद रखना आप लोग, वो कहानी के विलन के साथ भाग जाती है। जी हाँ, वो जॉर्ज विकहम के साथ भाग जाती है। फिर उसे ढूंढने की भी बहुत कोशिश की जाती है,
लेकिन लीडिया कहीं नहीं मिलती। तो एलिजाबेथ वापस से अपने घर में आकर के अपने माँ बाप को संभालती है कि उसकी छोटी वाली बहन ने किस तरह से उन लोगों का नाम डुबो दिया। कुछ टाइम के बाद एलिजाबेथ के जो अंकल आंटी है जिनके साथ वो छुट्टियों पे गई थी, उनकी तरफ से कुछ खबर मिलती है कि उनकी जो छोटी वाली बहन है वो मिल चुकी है, यानी कि लीडिया मिल चुकी है, लेकिन जो जॉर्ज विकहैम है वो उसके साथ रहने को तैयार नहीं है। वो उसके साथ रहेगा एक ही शर्त पे, जब उसको कुछ पैसे मिलेंगे, जब उसको कुछ पैसे मिलेंगे जब ही उसके साथ जाकर के वो रहेगा। लेकिन अच्छी खबर ये आती है एलिजाबेथ के पास में कि उसको जो पेमेंट है वो कर दिया गया है किसी के द्वारा। तो बेनेट फैमिली सोचती है कि उनको जो पेमेंट है ये उनके अंकल आंटी ने किया है, लेकिन अंकल आंटी ने नहीं, उनको ये पेमेंट किया था डर्सी ने। ये बात एलिजाबेथ को तब पता चलती है जब लीडिया बेनेट फैमिली के पास वापस से आती है। तो दोस्तों एलिजाबेथ को जब ये बात पता चलती है तो वो डर्सी को पसंद करने लगती है और डर्सी उसको पसंद करने लगता है, तो दोनों की शादी हो जाती है एंड में। और जो जेन है उसकी भी बिंगली के साथ शादी हो जाती है और यहीं पे ही कहानी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी नोवेल प्राइड एंड प्रेजुडिस बाय जेन ऑस्टन। आई होप आप लोगों को नोवेल समझ में आई होगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और नीचे जो सब्सक्राइब नाम का रेड कलर का बटन है, हाँ वही उसको दबा दीजिए, जिसका फ़ायदा ये होगा कि हम फ्यूचर में जब भी अपनी वीडियोस अपलोड करेंगे तो आपको अपने आप नोटिफिकेशन मिल जाएगी। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।